अजमेर के मांगलियावास लमाना गांव के बीच भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें 2 दर्जन से अधिक घायल हुए हैं, जिन्हें अजमेर ब्यावर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एम्बुलेंस के माध्यम से गंभीर घायलों को जेनरल अस्पताल में लाया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। वहीं 1 दर्जन से अधिक घायलों को ब्यावर के अमृत कौर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा बस और ट्रेलर के बीच भिड़त का है, जहां बताया जा रहा है कि बस ट्रेलर से ओवरटेक कर आई थी। इसी बीच कंडक्टर साइड से बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। गंभीर हादसे को देखते हुए अजमेर SP कुंवर राजदीप घटना स्थल का मौका मुआयना करने पहुंचे, तो वहीं तमाम घायलों का इलाज अजमेर से ब्यावर अस्पताल में किया जा रहा है। मृतकों में से 5 मृतकों के शव अजमेर के जनरल अस्पताल में रखे गए हैं, तो वहीं 3 मृतकों के शव ब्यावर के अमृत कौर अस्पताल में रखे गए हैं। फिलहाल पुलिस व प्रशासन सभी गंभीर घायलों के इलाज में जुटी है और वहीं पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। ये जैसे हम बरेली से आए थे तो जयपुर बदली थी बस, ये जयपुर से जा रहे थे हम गुजरात के लिए, और ये अजमेर से आगे हादसा हुआ है। कहाँ पर? अजमेर के कहाँ पर? मांगलिया। मांगलिया बस? हाँ। कितने जने थे बस के अंदर? कम से कम 85 लोग। ये हादसा ऐसे हुआ है, दोनों साइड में ट्रक आ रहे थे और बीच में बस जा रही थी। अच्छा। हाँ। तो जो कंडक्टर के साइड है वहाँ? हाँ, सारे खल्लास हो गए, खल्लास से। आज एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ कि अजमेर ब्यावर के बीच में एक बस हादसा हुआ, जिसमें काफ़ी इंजर्ड रहे और काफ़ी ब्रॉड डेड भी रहे। हमारे अस्पताल में, जेएलएन अस्पताल में 5 तो ब्रॉड डेड लाए गए और 3 हमने भर्ती करे हैं, और 2 ऐसे मरीज थे जिनको आउटडोर से ट्रीटमेंट करके हमने भेज दिया है। तो इस एक्सीडेंट से हमारे यहाँ इस तरह से 5, 3, 8, 8, 2, 10 लोग आए थे, जिसमें 5 डेड हैं और 5 का हम इलाज कर रहे हैं। उसमें सारा हमारा, जैसे ही पता लगा कि इस तरह से एक मास कैजुअल्टी आने को, तो हमारे सारे रेजिडेंट, सारे नर्सिंग स्टाफ जो मैक्सिमम मोबिलाइज कर पाए थे, वो सारा पूरा पूरी तरह से हमने यहाँ चाक चौबंद प्रबंध, सारे अरेंजमेंट्स पूरी तरह से पुख्ता करा लिए गए थे। तो जैसे ही पेशेंट्स आए, उनको तुरंत उनका उपचार हमने शुरू कर दिया। कुछ के फ्रैक्चर्स हैं तो उनका सारा ट्रीटमेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन द्वारा सारा कर लिया गया है। सारे पेशेंट को सीनियर्स ने देख लिया है और सबके ट्रीटमेंट चल रहे हैं। 5 बॉडीज़ डेड लाए थे हमारे पास यहाँ, और ऐसा बता रहे हैं कि 3 बॉडीज़ ब्यावर गई हैं, जिसका अभी पुख्ता जानकारी अभी लेनी है, लेकिन ऐसा जो बताया जा रहा है वो है कि 3 बॉडी ब्यावर, 5 हमारे यहाँ जेल में।